We also have several monthly assignments on the project. At the concept at Bharat Vidya Bhavan, the learning by doing. Means if you want to really want to learn, start doing it. As simple as that one. That's the reason we've got several assignments as well as projects. And when they work on these kind of assignments and the project, that every day they grow. मीडिया के सफर में एक मीडिया कर्मी को अंशुमन सर इस बात को जानते हैं, हर पल हर लम्हा हर क्षण एक इम्तिहान से गुजरना पड़ता है। जनता की पैनी नजर हमेशा उसे घूरती रहती है, हर कदम पे उसको जनता की कसौटी पे खरा उतरना पड़ता है। छात्रों को दूसरे छात्रों संग मिलकर नए प्रोजेक्ट्स बनाने पड़ते हैं, जहां टीचर्स द्वारा छात्रों का मार्गदर्शन किया जाता है और उनकी गलतियों को सही कर नए नए क्रिएटिव आइडियाज देकर प्रोजेक्ट्स बनाए जाते हैं। I believe really this institution here, Bharatiya Vidya Bhavan, is the really place with the mission and you know, as we call it vision. It's easy to say somebody has a vision, but yes, Bharatiya Vidya Bhavan has a vision for this country. Bhavan Department of Film and Television एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है भारतीय विद्या भवन दिल्ली का, और जिस प्रकार से मटकर जी और उनके साथी लोग इस विषय में हमारे यंग स्टूडेंट्स को आगे बढ़ा रहे हैं, वो न केवल एक भारतीय विद्या भवन के लिए बल्कि इस क्षेत्र के लिए भी बहुत अच्छा काम है। हर चीज में प्ले ढूंढना, हर चीज में फन ढूंढना, हर चीज को प्लेफुल बनाना, एंड दैट स्टोरी मस्ट हैव अ सिंथेसिस प्ले एंड डिजाइन टू टेल इट। अगर आपको आगे बढ़ना है तो स्टोरी ढूंढना बहुत जरूरी है। हर चीज के साथ एक कहानी ढूंढिए, उसकी स्टोरी निकाल कर लाइए, उसकी स्टोरी बताने की कोशिश करिए। और यदि आपको स्टोरी लिखने की, स्टोरी बताने की, कहानी बताने की कला नहीं आती है तो इस दौर में आपका कंटेंट, आपकी बनाई हुई चीज लोगों तक पहुंचेगी। इसमें पहले तो मैं थैंक यू करना चाहूँगा अपने पूरे डिपार्टमेंट का, क्योंकि हमारे डिपार्टमेंट में काफ़ी अच्छे टीचर्स हैं और उनकी गाइडेंस में हमने बहुत अच्छा काम किया और ये अवार्ड तो मिल गया, बट इस अवार्ड की कुछ अचीवमेंट नहीं है जब तक मैं आगे कुछ ना करूँ। और मुझे ये फर्स्ट पोजीशन मिला है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए, तो मैं सबसे पहले थैंक यू बोलना चाहूँगी अपने टीचर्स को कि उन्होंने हमें इतना कुछ सीखने को दिया है जिसकी वजह से आज हम इस मुकाम पर पहुँच पाए हैं। यहाँ के टीचर्स बहुत अच्छे हैं, यहाँ का एनवायरमेंट सीखने का बहुत अच्छा है। मतलब एक साल मेरे को ऐसा लगा बिल्कुल ही मैं अपने मतलब किसी परिवार के साथ ही सीख रहा हूँ। बहुत अच्छा लगा पहली बार होस्ट करके, that was first time and I got award in first semester project. कोशिश करेंगे कि जैसे academy में रह के एक साल मेहनत करके अपना नाम रोशन किया है यहाँ पे, वैसे अब academy का नाम रोशन करें इससे आगे जा करके।